दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको ये बता देता हूं कि आज इस वीडियो को प्लीज या स्किप मत करना प्लीज। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देखोगे आप समझाओगे। अब बहुत सारे लोगों ने वीडियो को स्किप कर भी दिया होगा क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे पता है वो काफी कुछ मिस कर गए हैं। सिर्फ इस वीडियो की ही बात नहीं, वैसे भी जो लोग स्किप करते हैं, मेरे ही नहीं किसी और की वीडियोस को भी स्किप करते हैं, तो वो अपना लॉस करते हैं। क्योंकि जब हम किसी दूसरे की वीडियो को देखते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें उस वीडियो से क्या मिल जाना है। हो सकता है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो सकता है हमारा कोई उससे फ़ायदा भी ना हो, लेकिन देखने में क्या जाता है। जितना ज़्यादा वॉच करोगे आप कंटेंट को यूट्यूब पर, उससे आपकी नॉलेज ही गेन होगी। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट को प्ले कर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा, फिर आपको मैं एक और चैनल का बताऊंगा जो इससे भी ज्यादा फनी शॉट अपलोड करता है। तो पहले आप इस चैनल को देखिए, मैं यहां साइड पे एक शॉट को प्ले करता हूं, आप ध्यान से देखना उस शॉट को। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। राज माता, इसने सुअर कहा। अरे इसने सुअर कहा तो तुम छोटी हो गई क्या? अरे राज माता, इसने मुझे नहीं आपको सुअर कहा। तो दोस्तों ये था YouTube शॉर्ट, देखा कितना ज्यादा फनी है। अभी मैंने यहाँ पे ये पूरा प्ले नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक एक मिनट के नीचे के शॉर्ट इस तरीके के बनाते हैं। जब आप इनके चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत ही गजब गजब के फनी शॉर्ट्स मिलेंगे। तो इनके चैनल का नेम है अमित FFYT। तो आपको इन पे बहुत ही कमाल कमाल के YouTube शॉर्ट्स मिलेंगे और आप व्यूज देखिए इनके कितने ज्यादा आ रहे हैं। और कंटेंट भाई बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फनी है, व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको काम क्या करना है। आपको देखो इनके शॉर्ट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद आपको वॉइस ओवर नहीं करना, क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर करोगे तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं रह जाएगी इस शॉर्ट की। आपको वॉइस ओवर नहीं करना, आपको रिएक्शन देना है। ठीक है, वॉइस नहीं देना, रिएक्शन देना है, फेस रिएक्शन है। वो आप अपना जैसे ग्रीन स्क्रीन पर भी रिएक्शन बनाकर दे सकते हो और ग्रीन स्क्रीन के बिना भी, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिएक्शन दे सकते हो। तो अब आपको अगर आप ऐसा चैनल बनाते हो तो आपको कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, देखो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको सेकेंड चैनल का शॉर्ट को प्ले कर दिखाता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको आगे बताता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड यूट्यूब शॉर्ट जो बहुत ही ज्यादा फनी है। तो दोस्तों देखा आपने, ये भाई साहब LCD एक कोई स्क्रीन है, उसके आगे बैठकर अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो वहां पे चल रहा होता है उससे मैच करते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल जो टीवी में चल रहा है, LCD के अंदर चल रहा है, उससे इनका कोई कनेक्शन है। जब आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले मैं आपको इनके चैनल पर लेकर चलता हूं, बॉक्स टॉक्स टीवी। तो ये है इनका चैनल। तो इनके शॉर्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे यूट्यूब शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये इसी टाइप के शॉर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। जब आप इनके चैनल पर जाकर इनके शॉर्ट को प्ले करोगे तो आप समझ जाओगे कि कितना इंटरेस्टिंग शॉर्ट ये बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा फनी शॉर्ट्स हैं इनके भी। तो आपको इनके चैनल पर भी विजिट कर लेना है। तो दोस्तों देखो, अगर आप एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको देखो
एक ही चैनल से वीडियो नहीं लेना, ठीक है, आपको इन दोनों चैनल से ही वीडियो लेना है, शॉर्ट वीडियो। तो जब भी आपको YouTube शॉर्ट बनाना है तो आपको एक बार एक चैनल से वीडियो लेना है शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरी बार दूसरे चैनल से, ऐसे मिक्स कर इन दोनों चैनल से कॉन्टेंट आपको डाउनलोड करना है, उसमें आपको रिएक्शन देना है। तो एक बार ट्राई कीजिए इन दोनों चैनल्स पे, देखो बहुत ही लो कंपटीशन वाला कंटेंट है ये, आपको भी पता है ऐसे शॉर्ट्स पे बहुत कम रिएक्शन दिए जाते हैं। तो ये मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ लो कंपटीशन वाला, तो आपको ग्रोथ अच्छी इसलिए ही देखने को मिलेगी क्योंकि कॉम्पिटिशन भी लो है और देखने में बहुत ही ज्यादा फनी है। तो रिएक्शन देकर आप शॉर्ट बनाइए इन दोनों के चैनल पे विजिट कर, और आपको अपने चैनल की जो कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आप समझ गए कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है, और आपको वॉइस ओवर नहीं करना, आपको सिर्फ अपना रिएक्शन शॉट बनाना है अपना फेस रिएक्शन देकर इनके कंटेंट को यूज कर। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, आपके मन में कोई किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।